हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस इनटू क्रिएटिव लर्निंग में। तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूं, जो अभी हम करने वाले हैं ब्लू जे पर, वो है स्पेशल वर्ड आर दोज वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम लेटर। ये तो मीनिंग हो गया स्पेशल वर्ड का, जैसे एग्जिस्टेंस है, कॉमिक है, विंडो। अब इसमें फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर आर सेम, राइट? एंड जो पैलिंड्रोम वर्ड है, पैलिंड्रोम वर्ड्स आर दोज वर्ड व्हिच रीड द सेम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। जैसे मलयालम, मैडम, लेबल, ट्विटर, सिविक, ये सभी पैलिंड्रोम भी हैं एंड स्पेशल वर्ड्स भी हैं। बट ये जो वर्ड्स हैं, ये स्पेशल तो हैं लेकिन पैलिंड्रोम नहीं है, है ना? तो यहाँ पर पॉइंट ये भी दे रखा है, ऑल पैलिंड्रोम वर्ड्स या पैलिंड्रोम्स आर स्पेशल वर्ड्स, बट ऑल स्पेशल वर्ड्स आर नॉट पैलिंड्रोम। राइट द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द वर्ड, चेक प्रिंट वेदर वर्ड्स इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ पर लिखा है ऑल पैलिंड्रोम वर्ड्स स्पेशल वर्ड, ये तो हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड, चेक एंड प्रिंट वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और ओनली स्पेशल वर्ड। हमें बस ये चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या ओनली स्पेशल वर्ड है, क्योंकि ओनली स्पेशल वर्ड होगा तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या बनता है, कौन बताएगा सबसे पहला टास्क हमारा क्या बनेगा? रिवर्स करेंगे वर्ड को, चेक। तो ऐसे काफी स्टूडेंट हैं इस क्लास में जो मुझे गाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पैलिंड्रोम वर्ड का मीनिंग सबको पता है, स्पेशल वर्ड का मीनिंग मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर मस्ट बी सेम फॉर द स्पेशल वर्ड, ओके? एंड पैलिंड्रोम तो आपको पता ही है, तो हम ये करने वाले हैं और एक वर्ड एंटर करेंगे। तो पहला टारगेट है एक वर्ड एंटर करना। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आधा पार्ट, क्योंकि लिखने में टाइम चला जाएगा हमारा। मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। सर, अगर प्रोग्रामिंग में क्लियरली मेंशन नहीं रहेगा वर्ड लेना या सेंटेंस, तो कैसे पता चलेगा? वो एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। एग्जांपल देंगे और हम एक साथ 10 या 20 प्रोग्राम्स को अलग अलग इयर्स के अलग अलग उसको एक साथ फॉलो अप पर रखेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जहाँ पर कंफ्यूजन है। अब जैसे इस प्रोग्राम में कंफ्यूजन नहीं है, राइट? यस सर। लेकिन जो आप बोल रहे हो वो भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक दो प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है। तो वो फिगर आउट करेंगे कि आउट ऑफ 50 प्रोग्राम्स कौन से वो 10 प्रोग्राम्स है, कौन से वो 5 प्रोग्राम्स है जहां पर प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं फिल्टर करके आपको दूंगा। आई नो कि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन को जितना डीपली, कभी कभी थ्योरी से समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, एग्जाम्पल से नहीं आता है, थ्योरी से समझ में आ जाता है। दोनों को पढ़ना जरूरी है एंड कम से कम 2-3 टाइम क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन से ही आपका आंसर आएगा। मैंने क्लास का नाम लिया पैलिंड्रोम स्पेशल वर्ड एंड यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग चाहिए और लूप लगाने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। इवन ये भी लगेंगे ही हमें कैरेक्टर, एक कैरेक्टर वेरिएबल है, एक लेंथ वेरिएबल है, वो तो लगेंगे ही लगेगा। और एक स्ट्रिंग हमने एंटर कर ली, जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसकी लेंथ हमें निकालनी होगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एलियन। लूप लगाने के लिए आई चाहिए और कैरेक्टर गेट करने के लिए कैर वेरिएबल चाहिए। ये तो कॉमन है स्ट्रिंग प्रोग्राम्स के लिए। हमारे सामने दो टास्क हैं, स्पेशल वर्ड एंड पैलिंड्रोम। यस सर। तो पहले कौन सा ट्राई मतलब करेंगे, स्पेशल या पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम। तो पहले पैलिंड्रोम करते हैं। पैलिंड्रोम करने के लिए वी नीड टू गेट द रिवर्स वर्ड फर्स्ट। तो हाउ कैन वी गेट द रिवर्स वर्ड? सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। LEN इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखें? आई वांट टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। str डॉट लेंथ हमने निकाला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लूप। लूप लूप का ये बताइए क्या लिखें लूप के अंदर? I less than equals to, sorry, I equals to length minus one।
और अगर हम सीधा लूप लगा दें तो सीधा लूप लगाकर भी हम उसे उल्टा कर सकते हैं। यस सर। वो कल ही प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था वो मैजिक वाला पॉइंट। मैंने बोला था ना एक मैजिक दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा, और देन आपका वो उल्टा हो गया था, जबकि लूप हमारा सीधा ही चल रहा था, स्टिल हम वो उल्टा हमने कर लिया था। एंड अब हमें नीड हो रही है एक और स्ट्रिंग की, जो कि है रिवर्स स्ट्रिंग REV। समय को समझने ऐसे पहले इसको एलियन माइनस वन क्यों बोला था मतलब? उसे मत समझो ना, वो तो किया ही नहीं है तो क्यों समझना उसे? ओके ओके सर। जो कर रहे हैं उसे समझो पहले, उसके बाद मतलब स्ट्रिंग को उल्टा करना, इसलिए लूप को उल्टा लगा रहे थे। और एलियन माइनस वन इज और एलियन माइनस वन से स्टार्ट करेंगे जीरो तक चलाएंगे। यस यस वैसे उसे भी आंसर आ जाएगा। अब लूप के अंदर सबसे पहला टास्क क्या होगा सर? कैरेक्टर गेट करना। यस कैरेक्टर गेट करना। तो कैरेक्टर के लिए मैंने CHR एक वेरिएबल लिया है। कैरेक्टर गेट करने के लिए व्हाट वी नीड टू राइट? str.getI। मैं साथ में एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। सपोज हमने ये ले लिया, मैडम को ले लेते हैं। ओके अगर हमने ये मैडम को str के अंदर लिया तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा गेट होगा CHR के अंदर? सर M। M गेट होगा। ओके मैडम को छोड़ देते हैं, हम ले लेते हैं विंडो। विंडो और विंडो का आपका W आएगा, क्योंकि क्या होगा मैडम को उल्टा करेंगे, मैडम ही आएगा आंसर, तो इसलिए मैडम नहीं ले रहे, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। फिर विंडो को उल्टा करेंगे कुछ और आ जाएगा, तो उसे थोड़ा समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या होगा सर? REV is equal to CHR plus REV। देखो मैंने इस लाइन को उल्टा कर दिया, मतलब जिसने बोला उसने उल्टा किया, तो यहाँ पर आपको रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर आपने लूप को उल्टा किया और यहाँ ये लाइन भी उल्टा कर दिया तो क्या होगा? दोनों उल्टा कर दिया, माइनस माइनस मिक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ड एंटर किया है वही वर्ड आ, तो दोनों को उल्टा नहीं करना है, किसी एक चीज को उल्टा करना है। सर ये वाला लाइन मेरे को समझ नहीं है सर। सर अगर मान लो लूप को उल्टा करा हमने तो REV इक्वल्स टू REV प्लस कैरेक्टर एट आई आएगा ना? हाँ प्लस ये आएगा, ये ऐसे। ओके सर। बाकी का ऊपर वाली लाइन सेम रहेगी। ये बड़ा समझा सकते हो सर? ये बड़ा मैंने अभी समझाया ही नहीं है, जिसको समझ में आ गया बस उसी को समझ में आ रहा है, मैंने तो अपनी तरफ से अभी नहीं समझाया, तो जिसको नहीं समझ में आएगा मैं अपनी तरफ से भी समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया नहीं है। ओके ओके सर। हाँ तो अब हम यहाँ आते हैं, REV को समझते हैं। REV इज इक्वल टू CHR। हाँ डाउट क्या था ममता बताओ आगे क्या होगा? सर सर यहाँ पे अब रिवर्स प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे उसको कि वो स्ट्रिंग और रिवर्स इक्वल है या नहीं। मतलब लूप को बंद कर देना अभी। यस सर। यस तो हम स्ट्रिंग में एंटर करने वाले हैं ये कॉमिक। कॉमिक हमने एंटर किया इस STR के अंदर। STR में क्या आया? C का पोजीशन क्या है? जीरो। मतलब पहले तो मैं फालतू के ही सवाल करूंगा आप लोगों से, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। उसके बाद एलियन में आंसर क्या आएगा? फाइव। मतलब कॉमिक मैंने अब एग्जांपल दे दिया है, आई वांट एग्जैक्ट वैल्यू नॉट मीनिंग ऑफ द लाइन, तो यहां पर आएगा फाइव। लूप आपका चलेगा, आई में आपका आने वाला है क्या क्या? सबसे पहले आएगा जीरो, फिर आएगा वन, फिर आएगा टू, फिर थ्री, उसके बाद फोर। फोर पर स्टॉप हो जाएगा या फाइव के लिए भी लूप चलेगा?
सर फोर तक ही चलेगा, यहीं पे चलेगा, फोर तक चलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जीरो को, जब जीरो के लिए लूप चलेगा तो सी एच आर की वैल्यू क्या होगी? सर सी, सी सी होगी, है ना। तो यहाँ पर सी एच आर का वैल्यू है सी, और जो आर ई वी का वैल्यू है दैट इज एम्प्टी। तो आपका आर ई वी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? सी। ये क्लियर है? यस सर। लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम सी एच आर की वैल्यू क्या आएगी? ओ। सी एच आर के अंदर ओ आएगा। अब जिसको नहीं समझ में आया वो क्यों आएगा वो पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको ओ समझ में आ गया है। तो यहाँ सी एच आर के अंदर ओ है और आर ई वी के अंदर क्या है? सी। ब्लैंक तो नहीं है किसी के अंदर, मतलब सी है। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? ओ सी। ये ओ सी समझ में आया? सर समझ गया सर, ये सर। उसके बाद आएगा क्या नेक्स्ट? सी एच आर की वैल्यू क्या आएगी सर? एम। एम तो यहाँ आएगा एम, और यहाँ पर क्या है आर ई बी के अंदर? ओ सी। तो मिलकर क्या बन गया? एम। देन उसके बाद सी एच आर की वैल्यू आएगी आई, और यहाँ पर है एम ओ सी। तो आंसर आ गया आई ओ सी। उसके बाद आएगा सी प्लस आई एम ओ सी ऑलरेडी है, तो सी आई एम ओ सी, दैट इज अपोजिट वर्ड ऑफ कॉमिक, मतलब रिवर्स वर्ड, नॉट अपोजिट, रिवर्स वर्ड ऑफ कॉमिक, इसलिए ये रिवर्स हो गया। अब हमें समझना है, अगर मैंने सी एच आर को यहां पर दे दिया अब क्या होगा? सर अभी उल्टा आना चाहिए, देखते हैं। आर ई वी है ब्लैंक, सी एच आर के अंदर आएगा सी, तो आंसर क्या हो गया? सी। यस सर, मतलब सर ओरिजिनली वही आएगा सर। हाँ तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। सॉरी। यस सर, समझ के बोलना चाहिए ना। फिर पहला आंसर आपका गलत हो गया, फिर आपने चेंज किया, चेंज नहीं होना चाहिए आंसर। सर मतलब सर मैंने चेंज नहीं किया सर। नहीं, पहले आपने बोला उल्टा आ जाएगा आंसर। सर उल्टा मतलब सर, मतलब जो हमने आंसर पिछले राउंड में निकाला था सर, उसका उल्टा, मतलब ओरिजिनल वाला ही सर। अब वो कहने की आप किसका उल्टा कर रहे हो? सर मतलब मेरा मतलब पहले से था सर, मतलब ओरिजिनल आंसर ही आएगा ना सर। हाँ, ओरिजिनल वर्ड। यहाँ सी एच आर का जो वैल्यू है वो आएगा ओ। यस सर, आ जाएगा सी ओ। सी ओ, ये सी ओ है प्लस एम इज इक्वल टू, पास तो नहीं हो रहा है तो निकल कर क्या आया? हम अपने घर से चले, अपने घर पर वापस आ गए। छोटी सी गलती, कभी कभी आपके पेरेंट्स से होता है ना, यू टर्न ले लिया और पता चला उसी लोकेशन पे वापस आ गए जहां पर हम थे। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पर समझना क्या है आपको कि पहले से कुछ प्री प्लानिंग मत करो। प्री प्लानिंग का मतलब क्या है कि पहले से सोचो मत कि क्या आएगा, वैल्यूज को रखते जाइए, जो आ जाएगा वो आंसर है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम पहले से सोच लेते हैं कि ये आंसर आएगा। आप कुछ प्री प्लान मत करो, आप देखो आप जो बोलोगे मैं वो आंसर करूंगा। आपने यहाँ पर सपोज माइनस वन लगा दिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करूंगा, माइनस टू कर दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा, यहाँ पर प्लस टू कर दिया उसके अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा। आप तो बहुत सारे चेंजेस करवा सकते हो मुझसे, लेकिन बिना एग्जीक्यूशन के मैं सही रिजल्ट बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, जो जो आप यहाँ बोलोगे मैं यहाँ लगाते जाऊंगा, आंसर ऑटोमेटिक बन जाए।
बट हम ऐसा करते नहीं है, हम पहले से सोच लेते हैं कि उसका ये होगा ये होगा, मतलब रटना टाइप करते हैं, रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर अभी इसे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स हो गया। अभी ये लाइन किसी को समझना है क्या? नो सर। नो सर। आगे अब लूप के बाहर निकलते हैं, बताइए क्या करें लूप के बाहर? So here we will print reverse and then apply if condition. Yes sir. हमें रिवर्स प्रिंट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि यस सर सही है, इफ लगाना। तो नो नीड टू प्रिंट द रिवर्स। हां क्वेश्चन में जो दिया गया है वो करना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको सर स्पेशल वर्ड करेंगे पहले। हां नहीं पैलिंड्रोम प्रिंट कर सकते हैं, पैलिंड्रोम अगर नहीं होगा उसके अंदर स्पेशल चेक करेंगे, पहले यहां पर इफ से चेक करते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। Yes. यहाँ जो हम कंडीशन लगाने वाले हैं वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इट इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। तो व्हाट कंडीशन वी नीड टू गिव हियर? सर str dot equals reverse. str dot equals आधा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, अगर ये इक्वल हुआ तो पैलिंड्रोम, इक्वल नहीं हुआ तो नॉट पैलिंड्रोम। अगर वो पैलिंड्रोम है तो वो स्पेशल वर्ड भी होगा, इट इज पैलिंड्रोम एंड स्पेशल वर्ड, हम ये लिख सकते हैं एंड स्पेशल। यस सर। इसमें कोई तो प्रोग्राम वही खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन कहां पर? नहीं एक्चुअली खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है बट इट कैन बी अगेन स्टार्ट होगा, यहाँ से कहानी अगेन स्टार्ट होगी, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो वो स्पेशल हो सकता है। ओके अब प्रिंट क्या बोला है, एक्सेप्ट अ वर्ड चेक एंड print whether the word is palindrome or only special word, है ना? हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा बस ये देखना है कि वो special word है या नहीं, and कुछ message अपनी तरफ से भी दे सकते हैं यहाँ पर। अब बस ये check करेंगे, it is only special word, it is not palindrome। हाँ बोलो doubt। सर वो ना वो कह रहे हैं या तो सिर्फ पैलिंड्रोम होना चाहिए या फिर सिर्फ स्पेशल वर्ड होना चाहिए सर, तो दोनों वाला हमें लिखना होगा सर, कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं दिया। हाँ मतलब जितना क्वेश्चन में दिया पहले उतना लिखो, और एक अगर एक्स्ट्रा भी लिख दोगे तो चलेगा, कम नहीं लिखना है, एक okay, okay. एक्स्ट्रा हो गया तो चलता है। ऑलराइट सर, कंडीशन क्या लगा यहाँ ही हो जाएगा ना, इट इज ओनली स्पेशल, इट इज ओनली स्पेशल वर्ड। अब इसके बाद जो हम लगाने वाले हैं उसमें ये हो जाएगा, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नॉट अ स्पेशल वर्ड। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने से कुछ मार्क्स नहीं कटोगे। ओके ओके सर, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नॉट अ स्पेशल, इट इज नॉट। Now, what condition we need to give here? Sir, if character at length minus 1 is dot equals to character at 0 index. Zero, yes, sir. मतलब या तो आप directly एक बड़ा सा condition बन जाएगा, या फिर first character और last character आप निकाल लीजिए एक variable के अंदर, उसे आप compare कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने ये दो variable लिए, char एफ सी एच आर कॉमा एल सी एच आर, एफ सी एच आर के अंदर हमने ले लिया फर्स्ट कैरेक्टर एस टी आर डॉट कैर एट
जीरो और एल सी एच आर के अंदर हमने ले लिया एस टी आर डॉट कैर एट एल ई एन माइनस वन, माइनस वन होगा या नहीं होगा? यस सर। यस कंडीशन में क्या आएगा सर? एफ सी एच आर इज इक्वल टू एल सी एच आर, सी एच आर इज डॉट इक्वल्स टू एल सी एच आर। अब मेरे पास दो रिजल्ट आए, एक बच्चे ने बोला डबल इक्वल टू और एक बच्चे ने बोला इक्वल्स। एफ सी एच आर डॉट इक्वल्स, इसमें दोनों सही नहीं हो सकते सर। राइट वाला तो सिर्फ स्ट्रिंग ले होगा ना सर, ये तो कैरेक्टर हो गया। जो भी है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक सही है एक गलत है। हाँ हेलो, यस सर। तो ये जो इक्वल्स है दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग्स, सी एच आर इज नॉट अ स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इक्वल्स मेथड वोंट कम हियर। यस सर। एंड यहाँ डबल इक्वल टू नहीं लगाना है। यस सर। डबल इक्वल टू वर्क्स फॉर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। बेटा बेटा टाइप्स सर, एक बार फिर बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, हमने क्या किया है, str dot equals rev, अगर ये दोनों इक्वल हैं रिवर्स स्ट्रिंग और स्ट्रिंग तो इट इज अ पैलिंड्रोम वर्ड, स्पेशल वर्ड। ओके, अगर नहीं है इसका मतलब वो स्पेशल वर्ड तो हो सकता है, पैलिंड्रोम नहीं है लेकिन स्पेशल हो सकता है। दैट्स व्हाई वी गेट फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर। ओके, टू वेरिएबल्स FCHR और LCHR, FCHR के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर, LCHR के अंदर सेकंड कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, एंड दोनों को इक्वेट करके हमने चेक किया। अगर इक्वल हो जाता है तो इट इज ओनली स्पेशल वर्ड, ओनली हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, मतलब ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो हम कहां आ जाएंगे, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नॉट स्पेशल वर्ड। ये जो मैंने इफ कंडीशन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है ये किस टाइप की कंडीशन है? यू हैव फोर फाइव ऑप्शंस, इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, इफ लेटर इफ, नेस्टेड इफ, व्हिच टाइप ऑफ कंडीशन इज देयर? यस सर। हां से इट अगेन, ये जो इफ का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ये विच टाइप ऑफ कंडीशन, विच टाइप ऑफ नेस्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है नेस्टेड इफ, इफ एल्स इफ नहीं है। इफ एल्स इफ, एल्स इफ वो इफ लेटर इफ हो जाता है, इफ के अंदर इफ। सी यहाँ ये जो इफ है वो इस एल्स के अंदर है, दैट्स राइट, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके, I think program is complete. आप program group में डाल दोगे? हाँ, वो तो share करना ही है। केवल encapsulation रह गया है, बाकी का string, arrays और array दो तीन बच्चों का नहीं हुआ है। array अभी हम revision लेंगे, उसमें जो नहीं हुआ है वो उनका हो जाएगा। एंड लाइब्रेरी क्लासेस हम कर चुके हैं, अब ज्यादातर डाउट डिस्कशन रहेगा और उसी पर डिपेंडेंट हमारे ये पॉइंट्स रहेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर आप दोनों को माइंड में रख के चलोगे, स्पेशल भी निकालना है पैलिंड्रोम भी निकालना है, जब तक मैं यहाँ था तब तक मैंने स्पेशल का कुछ बोला भी नहीं था, मेरा पूरा फोकस था पैलिंड्रोम वर्ड पर, स्पेशल पर फोकस नहीं था। तो जब भी आपके प्रोग्राम में दो तीन पार्ट हैं, फोकस ऑन वन पार्ट, फिनिश दैट पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट, देन फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता जाता है। पहले से हम सोचते चलेंगे या फिर टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं पहले से ही कि देखो इधर
इधर से पैलिंड्रोम हो गया, इधर से स्पेशल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे भी नहीं करना है। आपको समझ में तो आ जाएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा कि मुझे समझ में तो आ गया है। जैसे काफी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बट एट द एंड हाउ टू राइट, उसके लिए अगेन रटना पड़ेगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाते हैं। ऐसा समझना इस ज्यादा, मतलब समझना ज्यादा इतना टफ टास्क नहीं है। टफ टास्क क्या है, समझने के बाद लिखना, काफी चीजें समझ में आ जाती हैं, बट याद कैसे रहेगा, उसे लिखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर ज्यादातर स्टेप्स आप लोगों ने मेरी हेल्प की, आप लोगों ने बताए सभी स्टेप्स, मैंने तो बहुत ही कम स्टेप्स लिखे हैं, आप लोगों ने बताया ना। यहाँ पर अराउंड 80% आप लोगों ने बताया है, 20% मैंने अपनी ये चीज ऐड की है। तो ये हो गया।